फैक्ट फाइंडिंग करने के उद्देश्य से 9 सदस्यीय टीम गई थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि बीजेपी सरकार के आने के बाद जो क्राइम रेट है पूरे देश में वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और ख़ास करके जो हमारे हाशिए के समुदाय हैं, चाहे उसमें दलित हो, बहुजन हो, आदिवासी हो, या फिर इन सभी समुदायों से आने वाली महिलाएं और दूसरे समुदायों की महिलाएं, इन पर काफ़ी शोषण और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और ख़ास करके अगर हम यूपी सरकार को देखते हैं, योगी सरकार को, तो इनका रिकॉर्ड जिस तरीके से जातीय हिंसा और लिंग भेद के आधार पे जो हिंसा बढ़ती जा रही है, खासकर महिलाओं के साथ और महिलाओं में जो दलित महिलाएं हैं उनके साथ, काफ़ी हेलो। अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही है। और हम सभी जानते हैं कि अगर बलात्कार की घटना देखें तो पूरे भारत में ये बहुत ही अलार्मिंग स्तर पे पहुंच गया है। हर दिन 94 महिलाओं के साथ बलात्कार, और उसमें 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होते आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में देखते हैं तो दलित महिलाओं में ऐसे बहुत सारे केस रहे हैं जिसमें जुडिशरी से लेकर स्टेट और स्टेट से लेकर पुलिस और दूसरे समुदायों का भी साथ उन्हें नहीं मिला है। चाहे हम देखें बीबीसी में जो आर्टिकल छपा था एक, जिसमें उमा चक्रवर्ती भी कहती हैं कि कैसे खैरलांजी में जो घटना हुई थी उसमें दलित महिला जब गई थी पुलिस स्टेशन में अपना अपनी अर्जी लेकर के, तो उसके बाद उसके साथ ना तो सुनवाई हुई, उसके बाद उसके साथ रेप और हत्या जैसी घटनाएं हुई। और उसको अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं था, उसके बीच में अभी यूपी उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी दलित महिला साथी हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कानूनन उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, और जब उसे पुलिस स्टेशन ले गया तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तो इसी बाबत पूरी एक 9 सदस्यीय टीम वहाँ पहुँची और इसकी पड़ताल करी। और जैसा हम देखते हैं देखिए, भी इसमें किस तरीके से जब ऐसी घटनाएं होती है तो शुरुआत में इन्हें कोई अटेंशन नहीं मिलता, दूसरी घटनाएं चल रही होती है नेशनल टीवी मीडिया पर, लेकिन जब आवाज उठती है पब्लिक की तो फिर मीडिया भी सामने आती है, साथ देती है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अभी, आज हमारे साथ पैनल में मेधा पाटकर जी हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय के साथ, और मणिमाला जी हैं एक्टिविस्ट, राइटर और गांधी दर्शन और स्मृति दर्शन की तरफ से, संदीप पांडे जी हैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया और NAPM की तरफ से, एहतशाम हाशमी जी हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं, और हमारे साथ जो एथियाली हैं जो दिल्ली समर्थक समूह से हैं, और मैं आपके साथ दिल्ली समर्थक समूह के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी जो हमारी पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और जो हमने देखा और पाया, जिस तरीके का उल्लंघन हमने देखा और जिस तरीके का राजकीय दमन और पुलिस ऑफिशियल्स की बिल्कुल एक तरीके से ना कार्रवाई को हम देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं, उसके साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों का भी एक उदासीनता जो हमने देखा है, तो उस पर अभी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर मेधा ताई से मैं आग्रह करूंगा कि वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को रिलीज करने के साथ साथ अपनी बात आगे बढ़ाएं। मेधा ताई, आप दिया, हाँ अनम्यूट कर दिया। सुनाई दे रहा है कि नहीं? अमित थोड़ी सी इंटरनेट समस्या लग रही है, भाई, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, फिर से बोलिए। अभी सुनाई नहीं सुनाई दे रहा है? दे रहा था, सुनाई दे रहा, बोलिए। सभी हमारे पत्रकार मित्रों का स्वागत है।
और मैं अभी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में यहाँ के पत्रकारों के साथ शहादा तहसील में बैठे हूँ। हमारे साथ संदीप पांडे जी हैं, मणिमाला बहन हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एतेशाम भाई हैं और अमित कुमार जी हैं। हम सब लोग और अन्य साथी जो उस समय से आज तक हमने हमारी फैक्ट फाइंडिंग की प्रक्रिया जारी रखी है और साथियों आज तक जो विविध प्रकार के बयान आ रहे हैं और वहां के घटना को ही नहीं घटनाक्रम को और वो घटना के पीछे के पूरे कारण मीमांसा को जिस प्रकार से अदल बदल करते हुए एक मोड़ दिया जा रहा है वो देखकर हम लोग चकित भी हैं और नाराज भी हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हाथरस के जैसी घटनाएं पहले भी इस देश में बहुत हुई है। हमने हमारे रिपोर्ट में कहा है कि बराबर उसी दिन 14 साल पहले महाराष्ट्र में हुई थी घटना जो खैरलांजी की घटना थी और आज तक उस पर न्यायपूर्ण न्यायपालिका का निर्णय नहीं आया जिसमें 3 महिलाओं की हत्या की गई और अकेले जी बच्चे थे वो भी अब गुजर गए। लेकिन उसके बाद घटनाएं बढ़ती रही है और निर्भया आंदोलन से महिलाओं पर अतिथि बनी और उस कमिटी ने बहुत सारे ऐसे सिफारिशें दी कि उन पर अगर पूरा पालन हो जाता तो हो सकता था महिलाओं पर अत्याचार में कमी आती। अगर कुछ की बात है जिसमें ये हाथों पीड़िता का नाम हम आज रिपोर्ट में दास्या रख के आपके सामने हमारी हकीकत उजागर कर रही है जो सच्चाई है। वहां की घटना के साथ साथ उत्तर प्रदेश में उन्नाव के पहले की घटना उतनी बर्बरता से भरी थी और इस घटना के साथ बलरामपुर आजमगढ़ और बाराबंकी तक जो घटनाएं बढ़ती गई है वो बताती है कि यूपी की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था आज किस दिशा में बढ़ रही है। हिंसा इसका सबसे महत्व का आधार बन गया है। एक और हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक मानकर मुसलमानों पर हमला है पर कहीं क्रिश्चियनों पर भी हमला है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार तो सबसे अधिक बर्बरता भरे हैं। हाथरस की घटना के हमारे रिपोर्ट का सबसे महत्व का निष्कर्ष मैं मानती हूं कि ये है कि इस अत्याचार का पूरा समर्थन हर पुरावे को रफा दफा करते हुए कानूनी प्रक्रिया को जांच की हो या अत्याचारी के खिलाफ के कृति कार्यवाही की हो उसको भी मैनिपुलेट करते हुए राज्य शासन का समर्थन है। हम ये मानते हैं कि ये पूरी घटनाक्रम जो है उस घटनाक्रम के आगे चलकर भी आज जिस उच्च वर्णीय मानी गई जातिवाद के आधार पर इस महिला पर अत्याचार हुआ जिसमें वर्ग जात और लिंग भेद तीनों का एकत्रित भुक्त भोगी बन गई है हमारी ये महिला दास्या और यही हकीकत देश भर के कई सारे महिलाओं पर हुए अत्याचारों में है। लेकिन हाथरस की घटना के बाद भी उस उच्च वर्णीय माने गए समाज ने अपनी महासभा लेना और हमारे वहां हाथरस में बुलगड़ी में दास्या के घर में उपस्थित होते हुए उन लोगों ने फेटे बांध कर एक पुरुष प्रधान का दिखाते हुए वहां प्रवेश लेना, पुलिसों ने उनको जाने देना और वहां वो किस लिए आए थे तो पीड़िता के खिलाफ आरोपियों का सम्मान करने के लिए। साथियों ये सब राज्य शासन की शासनकर्ताओं के सत्ताधीशों के समर्थन के बिना हो नहीं सकता है। हमारा तीसरा मानना ये है कि इसकी जांच जो सुओ मोटो कोई कोर्ट लेती है तो आज न्यायपालिका की अवस्था प्रशांत भूषण जी के प्रकरण से लेकर अयोध्या के प्रकरण तक हम सब लोगों ने देखी है तो हम और भी देखेंगे लेकिन न्यायपालिका जो जनतंत्र का स्तंभ मानी जाती है उस न्यायपालिका से हम न्याय की अपेक्षा करें
या केवल फैसला हम पर थोपा जाएगा? इस सवाल को हम हथरस के समस्या पर भी उठाना चाहते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस प्रकरण के पुलिस के सामने हथरस जिले के चांदा पुलिस स्टेशन में तत्काल उसी दिन 29 सितंबर को सामने लाने के बाद भी तत्काल जो पुलिसों ने जांच करनी थी वो जांच नहीं कर दी गई। सीआरपीसी में ऐसे स्पष्ट सेक्शन है कि 24 घंटे की जांच सबसे महत्वपूर्ण की होती है और जब मृत्युवत स्थिति उसकी हो गई थी तब पुलिस का ये फर्ज बनता था। और उसके आगे चलकर फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर के मंत्रालय ने, विभाग ने जो भी सिफारिशें, जातिवाद से संबंधित ये अत्याचार होता है या सांप्रदायिकता से संबंधित होता है तो उस जांच में पूरी गहराई होने की जरूरत थी। जिस अवस्था में पीड़िता की दासिया की मां रमा देवी ने उसको अकेले खेत में पड़े हुए पाया, निर्वस्त्र अवस्था में और खून आजू बाजू में फैलते हुए, जिसको बाजरे के खेत में खींच के ले गए थे वो चार नराधम, उस अवस्था में पुलिस स्टेशन और वहां से बालिका हॉस्पिटल में लाए जाने के बाद निश्चित ही जांच में सेक्सुअल असॉल्ट की जांच होना जरूरी था, नहीं तो फिर पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स भी इसमें शामिल थे क्या? ऐसा सवाल समाज लेकिन बालिका हॉस्पिटल में एमएलसी हुई कि नहीं, इस पर दो प्रकार की बातें हैं, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। इस पर एक पिटीशन एडवोकेट तड़ेकर जी ने महाराष्ट्र से सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की हुई है, क्योंकि बालिका हॉस्पिटल में पहले तो ये कहा गया कि हम एमएलसी नहीं कर पाए क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन थी, हमने आगे बढ़ाया, लेकिन अलीगढ़ हॉस्पिटल के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ा दी गई। दूसरी बात की पहले एफआईआर जो तक नहीं था, लेकिन उन्होंने लगता है ताई का कनेक्शन थोड़ा कट गया है। मैं हाँ ताई, ताई आप अनम्यूट करें पहले। और ताई अभी सुनाई दे रहा है, वीडियो अगर ऑफ कर दें तो आवाज साफ आ पाएगी। जी ताई वीडियो। तो पत्रकार मित्रों, मेरा यही कहना है कि हाथरस की हमारी जांच से हमने ये भी पाया कि हर अस्पताल के डॉक्टर्स और तमाम कर्मचारी कहीं ना कहीं राज्य शासनकर्ताओं के दबाव में थे और इसीलिए ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स आए हैं और रिपोर्ट्स में विरोधाभास है। और एफआईआर भी पहले जो दाखिल की गई उसमें गैंग रेप का जिक्र नहीं था, ये हमें मालूम पड़ा है। हमारा दूसरा निष्कर्ष ये भी है कि इस पीड़िता का कोई भी संबंध आरोपी के साथ पहले नहीं था। वो इतना गरीब दलित परिवार कि मायावती सरकार ने जिनको 5 बीघा जमीन दी थी उसमें से 3.5 बीघा ही उनके हाथ में है और 1.5 बीघा अन्य उच्च वर्णीय माने गए ब्राह्मण समाज ने छीन कर अपने कब्जे में रखी हुई है। 3.5 बीघा जमीन पर जीने वाले हमारे दलित परिवार की वो पीड़िता दास्या और चारा लेने के लिए गए थे क्योंकि अपने मवेशियों के साथ दूध बेचकर वो अपना कारोबार चला रहे थे। ऐसी स्थिति में उनके परिवार में केवल एक छोटा फोन है, ये बात हमने देखी समझी और वहां की तमाम महिलाओं के साथ जो हमारी 2 या 3 घंटे तक बात हुई उस बातचीत से हमें भरोसा हो गया है कि दास्या का और दास्या के परिवार का कोई भी दोष नहीं था। लेकिन जो सामने ही गली में रहने वाले उच्च वर्णीय समाज के युवा बुजुर्ग लेकिन आरोपी रहे हैं, उन आरोपियों ने पिछले 6 महीने में दास्या को खींचने की,
अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन दास्या ने हिम्मत से उसको चुनौती दी थी। और फिर जब मौका मिला कि दास्या और उसकी माँ अकेली चारा काट रही थी और दूर दूर काट रही थी, और भाई चारे का गड्ढा लेकर घर पहुंचा था जिसका नाम सत्येंद्र कुमार है, तो रामा देवी जी को जब की चिल्लाहट मालूम पड़ी और दास्या आजू बाजू में दिखाई नहीं दी, तभी वो जाकर ढूंढ कर उसको जिस अवस्था का वर्णन मैंने किया उस अवस्था में पाई। तो ये पूरी हकीकत बताती है कि जिस प्रकार से महिला पर पुरुष प्रधान व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था और लिंग भेद पर आज भी जीने वाली व्यवस्था ये हावी हो जाती है, उसका ये एक सबसे बर्बर उदाहरण है। और परिवार को बदनाम करने की जब कोशिश होती है, तब उच्च वर्णीय माने गए समाज की महासभा अपने आरोपियों को बचाने में समाज की इज्जत मानती है, आरोपियों को सजा देने में समाज की इज्जत मानी जानी चाहिए। लेकिन जब दलित समाज, वाल्मीकि समाज के नेता जिनका नाम शोरा जीवन रहा, वो अगर एक बार कुछ बोल गए कि अगर हमारे समाज के किसी महिला पर फिर से आंख उठाई जाएगी तो मैं उसे फोड़ के रखेंगे। हम साथियों इस प्रकार के हिंसक वक्तव्य के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसे वक्तव्य राजनेता बार बार करते हैं, चुनावों में भी करते हैं, थोड़ी सी संहिता लगती है। शोरा जीवन को बाकी जेल में ठूस-ठूस के भर दिया है, ये भी एक प्रकार का अपराध शासनकर्ताओं का उस अत्याचार को समर्थन जाहिर कर रहा है। ऐसा ही किया गया है वर्किंग जर्नलिस्ट केरल से जो आए थे हाथरस में उनके साथ, जिसका भी हम धिक्कार करते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी आज अगर और ऐसे घटनाओं की जांच का अगर स्वातंत्र्य नहीं है, आजादी नहीं है, तो फिर देश के जनतंत्र पर जो हमला हो रहा है वही हमला फिर हाथरस की घटना को लेकर भी हमें यूपी में दिखाई दे रहा है। सफलता के साथ जाने के नाम पर इन्हें सफदरजंग में ले गए और परिवार बाहर बैठा होते हुए मृत्यु तक उनको कोई पारदर्शिता से जानकारी नहीं दी गई, और फिर जब शव लाश रखी गई मॉर्चुरी में तब उनको दिखाई गई, लेकिन लाश पीछे के दरवाजे से भगाकर स्मशान में ले जाना और उस पुरावे को जला देने के कारण से उसको पुलिसों ने जलाना, ये एक प्रकार से एविडेंस डिस्ट्रॉय करना है, और इसके जिम्मेदार भी यूपी शासन है जिनके ऊपर भी सीधे आरोप पत्र दाखिल होने चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। कोई इस्तीफा मांग रहे योगी आदित्यनाथ जी से, हम तो मांग रहे महिला सुरक्षा, हम मांग रहे हर क्रिमिनल लॉ का अमल, और हम मांग रहे महिलाओं के लिए संवैधानिक न्याय, जिसकी बात सीबीआई कितनी जाहिर करेगी, उजागर करेगी, हमें शंका है। इसलिए हम मांग रहे जुडिशियल इंक्वायरी, जो कि सभी संगठनों का आग्रह है। हम हमारी रिपोर्ट में और डिटेल्स पेश किए हुए हैं, पर हमारे साथियों को मैं ये हस्तांतरित करती हूँ। संदीप पांडे जी और मणिमाला जी अपनी बात पहले रखेंगे, ऐसा मुझे अपेक्षा है। अमित भाई मैं रुकती हूँ, जिंदाबाद। धन्यवाद भाई। और अभी हमारे साथ मणिमाला जी जुड़ी हुई हैं गांधी स्मृति दर्शन स्मृति से, और एक लेखिका और एक्टिविस्ट रह चुके हैं और इनका काफी योगदान रहा है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा बिना कोई समय व्यर्थ किए, मणिमाला जी आप अपनी बात रखें। मणिमाला जी अनम्यूट कर दें एक बार जी। जी सबसे पहले तो मैं करेक्शन कर दूं, मैं फिलहाल गांधी स्मृति और दर्शन समिति से ऑफिशियली नहीं जुड़ी हूं, मैं वहाँ थी डायरेक्टर पर अभी नहीं हूँ, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए इसलिए मैंने इसमें सुधार किया। जो घटना है, घटना का विवरण कमोबेश मेधा दाई ने दे दिया है, तो उसी चीज़ को फिर से दोहराने का कोई मतलब नहीं है। ये है कि हालात बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही खराब, और जिस तरह से समाज पूरा का पूरा समाज तो नहीं, लेकिन समाज का एक हिस्सा जिस तरह से अपराधियों को बचाने के लिए खड़ा हो गया है, ये अपने आप में बहुत ही भयानक
स्थिति है। इधर के दिनों में एक बलात्कार पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, लेकिन अब काफी बढ़ गया है और कम उम्र की महिलाओं के साथ। और इसमें साफ साफ कई दफा कई जगह लोग कहते हैं कि बलात्कार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, लेकिन मैंने पीछे भी लिखा है और आज फिर से बोलती हूँ कि नहीं, हमारे देश में बलात्कार का धर्म होता है और बलात्कार की जाति भी होती है। अपराधियों का, बलात्कारियों का भी धर्म होता है और बलात्कारियों की भी जाति होती है। वरना जिस तरह से पूरा राजपूत समाज अपराधियों के पक्ष में खड़ा हो गया है, वो अजीब सी बात है। आप चाहते हैं कि आपके समाज में बलात्कारी हो रहे, तो जब आप बलात्कारियों की सुरक्षा को सुरक्षा देंगे तो जाहिर है कि बलात्कारी पैदा होंगे। और ये कोई पहली घटना नहीं है, हमने श्रीनगर में कठुआ में देखा, एक 7 साल की बच्ची पर जिस तरह से लोग टूट पड़े और वहां का भी समाज खड़ा हो गया। जो वकील लड़ने जा रही थी केस, वो केस ना लड़े इसलिए उनको रोका गया। तो ये एक नया ट्रेंड हमारे समाज में पैदा हुआ है कि हम एक निर्लज्जता के साथ हत्या और बलात्कार के पक्ष में खड़े हुए जा रहे हैं। हम ऐसा कहा करते थे जब हम यंग थे तब, कि कोई खुलेआम हत्या और बलात्कार का समर्थन तो नहीं कर सकता ना, कम से कम हत्या और बलात्कार तो दूर की बात रही। हम कहते थे कोई खड़ा होकर के दहेज का समर्थन कर सकता है क्या? लेते सब हैं, लेकिन कम से कम एक पर्देदारी थी कि खुल करके समर्थन नहीं करते थे। आज हमारे समाज इतना विकृत हो गया है सत्ता के संरक्षण में कि हम हत्या और बलात्कार जैसे घटनाओं को, अपराधों को धर्म और जाति के खांचे में बांट कर देख रहे हैं और अपराधियों के पक्ष में खड़े हुए जा रहे हैं। वैसे तो पूरे देश की हालत खराब है, लेकिन यूपी में जो कुछ हो रहा है, बलात्कारियों पर से केस वापस लिए जा रहे हैं। अब उस लड़की ने चिन्मयानंद के खिलाफ खुद ही केस वापस कर लिया, वो देख रही है उन्नाव की लड़की, पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, लड़की जल गई। तो ऐसी स्थिति में अब लड़कियां खुद केस दर्ज कराती हैं और वापस लेने लगी हैं, क्योंकि न्याय की कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। और किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समूह के लिए ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, जबकि आपको न्याय के लिए, न्याय की उम्मीद कहीं से भी ना रह जाए, न पुलिस से, न प्रशासन से, न अदालत से, और लोग खुद ही समर्पित करने लग जाएं, जो विक्टिम है वही। तो आज हम इस जगह पहुंचे हैं, हम काफी जितनी देर रहे हाथरस में उस लड़की के घर पे, कहीं से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके आधार पे ये कहा जाए कि ये घटना नहीं घटी। और कदम दर कदम जो होना चाहिए था, जिस समय जांच की जो प्रक्रिया चलनी चाहिए थी, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, वो कुछ भी नहीं है, समय पे कुछ भी नहीं किया गया। और सबसे बढ़कर आधी रात को लाश ठिकाने लगा देना। लोग इसे कह रहे हैं कि पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं, अंतिम संस्कार ऐसे नहीं होते, वो लाश ठिकाने लगा दिया गया सिर्फ सबूत मिटाने के लिए। और पुलिस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर ही नहीं सकता अगर कि सत्ता का ऐसा करने को इशारा न हो। ये तो इतनी भयंकर बात है कि इस पे तो मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी मतलब प्रूव्ड है मामला कि सारा गड़बड़ है और अपराधियों को बचाने का खेल शासन प्रशासन कर रहा है। बहुत बुरा हाल है। मैं नटसल में इतना ही कहूँगी और मैं चाहूँगी कि पत्रकार साथी सवाल पूछें और तो शायद हम ज्यादा अच्छी तरह से डायलॉग कर पाएंगे। अमित, धन्यवाद मणिमाला जी। अब मैं संदीप पांडे जी, जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं और एनएपीएम के साथ जुड़े रहे हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। नहीं, मैं एक ऑनलाइन सेशन में हूं, तो मैं आपसे फिर बात करता हूं। ठीक है जी। तो एहतशाम भाई, आप
को मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं। और जी एहतशाम भाई आप अनम्यूट कर लें पहले। जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है एहतशाम भाई। अभी भी नहीं आ रही है। ठीक ठीक चलिए मैं आपसे फिर बात करता हूँ। ठीक है ठीक तनु नमस्कार जी। एहतशाम भाई तब तक थोड़ा कहीं पे अगर ईयरफोन हो तो उसको करके तब तक नेटवर्क उनकी तकनीकी समस्या ठीक करते हैं। तब तक संदीप भाई आप अभी अपनी बात रख सकते हैं। मैं आ गया हूँ। मैं असल में फोन पे था जी जी। तो इत्तेफाक से फोन एक महिला का आया था और वो दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की है और उनको बीएचयू में नौकरी मिली है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। और वो उनके उनको अभी से जो है ट्रोल किया जाने लगा है और वो मुझसे ये पूछ रही थी कि उत्तर प्रदेश में आके नौकरी करना मेरे लिए कितना सुरक्षित है। तो ऐसी हालत हो गई है, मुझे तो शर्म आती है कि मैं एक ऐसे राज्य में रह रहा हूँ जहाँ अब तो पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था लेकिन जब से ये हाथरस वाली घटना हुई है तो कोई एक दिन ऐसा गया ही नहीं है जिस दिन कोई बलात्कार की घटना ना हुई हो। और प्रदेश सरकार को मालूम ही नहीं कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। और देखिए जो घटना है उसके बारे में तो मेधा जी और मणिमाला जी ने बताया, मैं थोड़ा चूंकि उत्तर प्रदेश में रहता हूं इसलिए मैं थोड़ा एक मोटी मोटी बात करना चाहूँगा कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। और ये मेरी समझ है कि ये जो सरकार है और सरकार को जो चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनको शासन प्रशासन चलाना आता ही नहीं है क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो एक बड़ी एकांगी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जो वर्चस्ववादी है। उसको लगता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है और जो उनका तरीका है वही ठीक तरीका है, उसे वो बदलने को नहीं तैयार होते हैं, अपनी गलतियों को वो मानते नहीं हैं और चाहे गलती पे गलती करते चले जाएं लेकिन वो अपना रास्ता जो है ठीक करने की कोशिश नहीं करते। इस मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आके कहा कि अपराधियों के खिलाफ जो है हमारी नीति ये होगी कि जो अपराध करेगा उसको हम ठोक देंगे। जो ठोक दो नीति थी इसके तहत आपको मालूम है 125 के करीब या उससे ज़्यादा लोग का एनकाउंटर में या मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। और इस देश में सारे एनकाउंटर सही नहीं होते हैं ये तो सबको मालूम है। तो अपराधियों को सीधे मार देना और उसके बाद ये दावा करना कि उत्तर प्रदेश में सारे अपराधी ख़त्म हो गए हैं और या तो अपनी जमानत रद्द करा के वो जेल में पहुंच गए हैं और उसके बाद फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं, कानपुर का बिकरू कांड, वहां संजीत यादव का अपहरण और उसकी हत्या, उसके बाद आजमगढ़ में ग्राम प्रधान का मारा जाना, लड़कियों के साथ तो घटनाएं लगातार हो रही हैं। और सबसे आश्चर्य की बात जो मैंने पढ़ी कि बस का एक अपहरण हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। यानी कि अपराधियों के मन से खौफ एकदम निकल गया। तो अब आप सोचिए कि जो मुख्यमंत्री और सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम पुलिस का डर पैदा करके हम लोगों पे शासन करेंगे, लोगों को नियंत्रित करेंगे, कानून व्यवस्था कायम करेंगे और वहाँ के लोगों के मन से डर ही ख़त्म हो जाए, अपराधियों के मन से तो ख़त्म हो ही जाए और पुलिस वालों के मन से भी ख़त्म हो जाए। यहाँ तक कि एसपी महोबा जो दोषी पाए गए वसूली के और उसके बाद वहाँ एक व्यापारी की हत्या हो जाती है जो व्यापारी ने बताया, जब उनसे विशेष जांच दल उनसे जांच करने के लिए उनसे संपर्क करना चाहता है तो वो एसपी जो है दो पुलिस वालों को लेके
वो भूमिगत हो गए। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि ये सरकार जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ट्वीट करने पे किसी लड़के को उड़ीसा से पकड़ के ले आती है, क्या वो अपने पुलिस अधीक्षक को नहीं खोज पा रही है कि वो जो मनीलाल पाटीदार महोबा का एसपी था वो है कहाँ पे? वो भोपाल जाके अपराधी को पकड़ लेती है, लेकिन वो अपने राज्य में या राज्य के बाहर भी कहीं वो अपराधी गया हो उसको जब वो ला सकती है तो अपने अपना जो सरकारी अधिकारी है उसको नहीं पता कर पा रही कि वो कहाँ है। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। तो हुआ ये है कि इस कोशिश में कि सबको डरा धमका के और फर्जी मुकदमे करके, अब योगी आदित्यनाथ जी ने अपने खिलाफ जो मुकदमे थे वो तो वापस ले लिया जिनके, लेकिन जिस आदमी ने उनके खिलाफ शिकायत की थी परवेज परवाज गोरखपुर में, उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा के उसको सजा दिलवा दी। तो चूंकि इस सरकार का पूरा तरीका ये है कि आप बल का प्रयोग कर रहे हैं, उचित अनुचित आप फर्जी मुकदमे करा रहे हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में फर्जी मुकदमे करा के न सिर्फ लोगों को जेल भेजा गया, उनकी तस्वीरें लगाई गई बड़े बड़े विज्ञापन के रूप में, और योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद कहा कि महिलाओं के साथ जो हिंसा करेगा हम उसकी भी तस्वीर लगाएंगे, लेकिन हमें तो नहीं दिखता कि हाथरस के आरोपियों की तस्वीर कहीं लगाई गई, या जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं जो जिसका जिक्र मेधा जी ने किया उसमें से किसी भी आरोपी की तस्वीर कहीं लगाई गई है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष की भावना से जो कार्रवाई करने का तरीका है इस सरकार का, चाहे उनको मुठभेड़ में मारने का या उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे करने का, अब चूंकि यही तरीका बन गया है सरकार का और पुलिस गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है, जो महोबा के एसपी के साथ वो जो कर रहे थे उससे जो पता लगा है, तो अब पुलिस भी अब इसी तरीके से काम कर रही है कि वो जो काम कर रही है वो कानून को खुद तोड़ रही है, और जो तरीका है कानून व्यवस्था स्थापित करने का चूंकि वो असफल रहा है इसलिए पुलिस उस पर कोई नियंत्रण भी स्थापित नहीं कर पा रही है क्योंकि वो खुद अराजक हो गई। और ये बात हाथरस की घटना से बहुत साफ तरीके से उभर के आ गई है कि पुलिस ने गलती की है। हाईकोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि जो रात में 3:30 के बीच में उस लड़की की लाश जलाई गई, ये क्यों जलाई गई, पुलिस इस बारे में हाईकोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। और मेधा जी की मांग ये बिल्कुल सही है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तो मुकदमा हुआ है वो ठीक ही है, लेकिन इसमें पुलिस भी जो शामिल रही, पुलिस ने जो गलत किया, जो प्रशासनिक अधिकारियों ने गलत किया, उनके खिलाफ भी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। और ये सरकार बिल्कुल अक्षम है कानून व्यवस्था को स्थापित कर पाने में, और इसलिए हमारी ये भी मांग है, हालांकि मेधा जी ने कहा कि हम सिर्फ इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन हम महिलाओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए, सरकार से तो अपेक्षा है ही, लेकिन लगता नहीं कि यह सरकार कुछ कर पाएगी। वो सुरक्षा शायद महिलाओं को खुद अपनी करनी पड़ेगी, और इस सरकार के मुख्यमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल असफल साबित हुए हैं कानून और व्यवस्था को बरकरार रख पाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई आपका। तो अभी एहतशाम भाई से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। एहतशाम भाई सुन पा रहे हैं? एहतशाम भाई अपनी बात रखें, बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है एहतशाम भाई। एहतशाम भाई तब तक कोई सवाल हो तो ले लीजिए प्रेस से। पत्रकार साथियों के अगर कोई सवाल हो तो
किसी पत्रकार साथी का कोई अगर सवाल हो तो वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हाँ संदीप भाई, मेरी आवाज आ रही है? राजेश जोशी बोल रहा हूँ। हेलो संदीप, आ रही आवाज? आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। हाँ मेधा जी नमस्कार। मेरा सवाल ये कि आप लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग की, आप लोग वहां गए हमेशा की तरह और अपनी बात आप प्रेस के सामने रख रहे हैं, लेकिन आप लोग जन आंदोलन से आते हैं, क्या वहां जाकर के आपको ये लगा कि सिर्फ एक हाथरस केस में नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के दलितों का और दलितों के साथ दूसरी जातियों का कोई जन आंदोलन खड़ा करने के पक्ष में आप हैं? पहला हिस्सा ये है मेरे सवाल का। दूसरा ये है कि दलित उत्तर प्रदेश में सांगठनिक तौर पर मजबूत रहे, बहुजन समाज आंदोलन वहां रहा है, लेकिन अब इस मौके पे बहुजन समाज का जो आंदोलन है उसकी क्या स्थिति है? कि आपने इस नजरिए से भी देखा और वहां आंदोलन को नेतृत्व देने के बारे में भी क्या आपने कुछ सोचा? जी जवाब दे रहे नहीं। राजेश जी, उत्तर प्रदेश में संदीप भाई और उनके साथी अरुंधति दुरु, हमारी ऋचा सिंह जी, एनएपीएम के सभी साथी, वीआई मंच जैसे फोरम के साथी सभी सक्रिय है ही, लेकिन देश भर आज जो जन आंदोलनों को दबाया जा रहा है वो दमनकारी तरीके जनतंत्र के खिलाफ है। हमारे आंदोलन के अधिकार पर आंच आ रही है, फिर भी किसान उतरे हैं, रेलवे से लेकर हर प्रकार के निजीकरण के खिलाफ श्रमिक उतरे हैं, हमारे असुरक्षित श्रमिक उतरे हैं, और ये सभी कारणों से कानून बदलने का कारण और उसका नतीजा संविधान के अधिकारों को कुचलना, ये सब दलित आदिवासी महिला सभी प्रकार के श्रमिक ही भुगत रहे हैं, किसान मजदूर भी। तो हम लोगों को इन सभी मुद्दों को लेकर एकत्रित जोड़कर अब संविधान दिवस पर हमारी आवाज उठानी है। महिला संगठनों के 500 से अधिक संगठनों के एक समन्वय ने अगर अब हम उठे नहीं तो इस बैनर तले जो अपनी आवाज उठाई है उस आवाज को 26 नवंबर को हम लोग किसान मजदूरों के साथ, दलित आदिवासियों के साथ जुड़कर अधिक बुलंद करना चाहते हैं। और क्योंकि अब जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है, जो विषमता गैर बराबरी बढ़ाई जा रही है, वो अब कास्ट क्लास जेंडर सभी को एकत्रित मिलाकर सबसे ज्यादा महिला भुगत रही है। लॉकडाउन से रोजगार पर आंच आई है सबसे ज्यादा महिलाओं पर, हमारी घरेलू नौकरानियों से लेकर हमारी फेरी वाले महिलाओं तक। शिक्षा नीति बदलने के कारण, ऑनलाइन होने के कारण सबसे ज्यादा घर बैठी है और बाल विवाह का सामना कर रही है हमारी युवतियां। इसीलिए महिलाओं को सबसे आगे आकर नेतृत्व देना चाहिए, लेना चाहिए, ये हमारी है। और लोकसभा में तो सवाल करवाना भी बंद कर दिया, तो हम सवाल जन आंदोलन के तरीके से ही उठाएंगे। एक एक कदम कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। 26 नवंबर को आप देखिए, देश भर आवाज और बुलंद हो जाएगी, जिसमें सबकी आवाज एक होगी। पूजा जोशी जी पूछ रहे हैं कि क्या रिपोर्ट में विरोधाभास है। संदीप भाई आप या मणिमाला जी जवाब देना चाहते हैं? मेडिकल रिपोर्ट्स में, मेडिकल रिपोर्ट्स में, हाँ विरोधाभास है। विरोधाभास है, एक तो जो MLC रिपोर्ट है, मैंने बहुत कोशिश की उसकी तारीख देखने की, वो मुझे नजर में नहीं आई। उसमें बलात्कार साफ है, लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, और दोनों एक ही यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वहाँ मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्पिटल की, तो जो CMO की रिपोर्ट है वो कहती है कि बलात्कार हुआ, और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की वो कहती है कि नहीं हुआ। तो ये विरोधाभास है। और जो राजेश भाई का सवाल था उसके जवाब में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं
लेकिन हमारा ये भी मानना है कि मामला दलितों महिलाओं का है, नेतृत्व दलितों और महिलाओं का होना चाहिए। हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने 4 प्रदर्शन किए हैं। अब एक दिक्कत ये भी हो गई है कि उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है वो इतनी तानाशाह है कि आपको सड़क पे प्रदर्शन भी नहीं करने देती, तो आपकी संख्या कम हो तो वो करने नहीं देंगे, या आप ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो लाठी चला देंगे। हम लोगों ने 2 एक एक घंटे के प्रदर्शन 60 से 100 महिलाओं ने प्लेकार्ड लेके किए, शांतिपूर्ण नारे लगाते हुए। 2 जगहों पे नहीं करने दिया पुलिस ने, एक जगह मार्च भी निकाला हम लोगों ने। और हमारी, मैं अपने दलित साथियों से, महिला साथियों से लगातार मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए और उसमें हमारा नेतृत्व नहीं लेकिन हमारा पूरा साथ होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आंदोलन खड़ा होगा जल्दी ही और बहुत मजबूत आंदोलन होगा, इतना मजबूत आंदोलन होगा कि यहाँ की सरकार को वो चुनौती दे पाएगा, उसके अस्तित्व के लिए चुनौती देगा। अरे यार, विजय जी, अभी एहतशाम भाई दोबारा सवाल आया है, ताई एहतशाम भाई दोबारा जुड़ चुके हैं तो उनसे कोशिश करते हैं जुड़ने के लिए। एहतशाम भाई आप सुन पा रहे हैं? आपका म्यूट है एहतशाम भाई, आपका म्यूट है। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अभी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट रिलीज हो रही है आज, उसके पार्टिसिपेंट हैं आप, और काफी अच्छी बात है। मेधा ताई जी ने, संदीप भाई साहब ने, मणिमाला जी ने रखी है। बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा वो कुछ पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन किए हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग भी 55,000 रेप केसेस यूपी में पेंडिंग ट्रायल है, जिसमें अभी तक पूरी हीरिंग या जजमेंट या न्याय नहीं हो पाया है। तो एक मेरा ये सजेशन है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाए यूपी में और बाकी राज्यों में भी, कि जो रेप पीड़ित हैं या रेप पीड़िता है उनके परिवार वालों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि इस मुद्दे से जुड़ी हुई है, इसमें आपने देखा सबसे पहली चीज तो जो क्रिमिनल लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने में कोई डिले ना हो, लेकिन इस केस में एफआईआर बहुत देर से रजिस्टर की गई, जिससे कि सबूतों को मिटाने का भी टाइम लोगों को मिला। और फिर आपने अल्टीमेटली देखा कि जो उसका क्रिमेशन किया गया, उसको मैं क्रिमेशन नहीं बोलूंगा, वो भी एक सबूत मिटाने की प्रक्रिया थी, और लास्ट राइट परफॉर्म करते टाइम भी, उसका क्रियाकर्म करते टाइम भी उसका चेहरा उसके घर वालों को नहीं दिखाया गया। तो ये एक फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी वॉल्यूशन है। एक अहम बात यहाँ पे आई कि इतने सारे ऑफेंस हिंदुस्तान में होते हैं लेकिन कभी विक्टिम फैमिली के नैरको एनालिसिस टेस्ट की बात नहीं होती, लेकिन ये एक यूनिक और बहुत ही भयावह एग्जाम्पल था कि यहाँ पे लोगों ने कहा, सरकार ने कहा कि नैरको एनालिसिस टेस्ट कराएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नैरको एनालिसिस टेस्ट कराना चाहते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, लेकिन आपने यूपी में कितने क्रिमिनल्स का नैरको एनालिसिस टेस्ट कराया? यूपी के सीएम खुद कई केसेस में एक्यूज हैं, उनका नैरको एनालिसिस टेस्ट कितनी बार हुआ? यूपी में जो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर फायरिंग हुई उस केस में कितने लोगों का नैरको एनालिसिस टेस्ट हुआ? और अगर नैरको एनालिसिस टेस्ट होना है तो हाथरस में जो डीएम साहब और एसएसपी साहब इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये पूरे केस को खराब किया, उनका भी नैरको एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए, उनका क्यों नहीं होना चाहिए? अगर पीड़िता के परिवार का नैरको एनालिसिस टेस्ट हो सकता है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था, जिन्होंने एफआईआर को डिले किया, जिन्होंने डेड बॉडी को रातों रात जला दिया, उनका नैरको एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए, किसके इशारे पे ये चीज की गई। और मेरा ये कहना है कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो उसमें इन ऑफिसर्स का फोन और कॉल रिकॉर्ड्स इनकी ऑब्टेन की जाए और ये सर्टेन किया जाए कि किसके इशारे पे इन लोगों ने काम किया है। आप देख रहे हैं कि यूपी सरकार एक ट्वीट पे भी एंटी टेररिस्ट लॉ लगा देती है, लेकिन इस केस में अभी तक इस तरह का कोई भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन नहीं अप्लाई किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी अपराधी हैं उनके ऊपर एंटी टेररिस्ट लॉ की भी कार्रवाई चलनी चाहिए। और जब हम लोग जिस दिन वहां पे हाथरस पहुंचे हैं तो मैंने खुद देखा है कि पुलिस के साथ साथ अपर कास्ट के लोग वहां पे खड़े हुए थे, जो कि नाम नोट कर रहे थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये पुलिस
वालों की निगरानी में हो रहा था और उनके सपोर्ट से हो रहा था। तो मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रायल है हाथरस विक्टिम का, ये यूपी से कहीं और ट्रांसफर हो, या तो दिल्ली ट्रांसफर हो या राजस्थान ट्रांसफर हो या किसी ऐसे जगह ट्रांसफर हो, यहाँ पे फेयर ट्रायल हो सके। क्योंकि यूपी में जाने के बाद मुझे, मैं वकालत करते हुए मुझे 15 साल हो गए, लेकिन इतना डर और भय का माहौल वहां पे है कि आपको सामने शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा कि उस पीड़िता के गलत सलत बयान वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया से बीजेपी आईटी सेल के मेंबर्स ने पोस्ट करी, जबकि ये लॉ है कि किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, लेकिन बीजेपी की सोशल नेटवर्किंग साइट से बीजेपी के आईटी सेल हेड ने वो चीजें रिलीज करी, आज तक वो लोग खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि यूपी में अगर ये केस चलेगा तो न्याय मिलना असंभव है। इस केस का ट्रायल इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाए, दिल्ली ट्रांसफर किया जाए और दिल्ली में एक डेडिकेटेड कोर्ट बनाई जाए जो कि विद इन 2 मंथ या विद इन 4 मंथ इस केस को कंक्लूड करे और अपराधियों को सजा दे। अपनी बात में यही समाप्त करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एहतशाम भाई। एक अनिशा माथुर जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है जी, कि जो फैमिली है वहाँ पे विक्टिम की, उनको वहाँ के गांव वाले या आसपास रहने वाले लोगों से कोई मदद मिली क्या इसके ऊपर? जी देखिए, जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें उनको गांव वालों से कोई भी मदद नहीं मिली, क्योंकि उस वहाँ पे 80% अपर कास्ट के लोग रहते हैं और सिर्फ लोअर कास्ट के 5-7% लोग हैं। कुल मिला के 25-30 घर हैं जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मतलब निचली जाति से आते हैं उनके घर हैं। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जो समर्ण जाति के लोग हैं उन्होंने वहां पे पूरा प्रोटेस्ट किया हुआ है, और वो जो एक्यूज हैं, जो 4 अपराधी हैं जिन्होंने इस घृणित रेप को अंजाम दिया, उनके सपोर्ट में काम कर रहे हैं वो लोग। और जो पीड़िता का परिवार वो इतना भयभीत है कि उनको मतलब इस डर के साए में जी रहे हैं कि उन्होंने खुद अपील करी है कि उनका रेसिडेंट यूपी से दिल्ली शिफ्ट किया जाए। तो मुझे लगता है यहाँ का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। ये जो जातीय समीकरण है और ये जो वर्ल्ड व्यवस्था है, इसको शायद हमें अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। हम पहले इंसान बने उसके बाद। जी मेरा ताई कुछ अमित जी, अमित भाई मुझे इसमें एक शेयर करनी है। लेटेस्ट हकीकत परिवार जनों से अधिकृत रूप से ये पता चला है कि अभी अभी हमारे वहां जाकर आने के बाद भी वहां जो 600 परिवार अन्य उच्च माने गए जातियों के हैं और 15 परिवार मात्र इस दलित समाज के हैं, ऐसे गांव और उसके आजू बाजू के गांव, जिस में से एक गांव में जहां आरोपी छुपे हुए थे 2, और वहां से उनको ढूंढा गया, लेकिन अभी ये जो पूरा क्षेत्र है उसके उच्च वर्णियों ने ये घोषित किया है कि हम लोग चाहे 4 बीघा जमीन बेचेंगे लेकिन हमारे समाज का सम्मान बचा के रखेंगे, और ये जो दलित परिवार है उनको ताई आपकी आवाज चली गई, ताई आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, रहेंगे और इसलिए को मांग करने की इच्छा हुई होगी तो मुझे पता नहीं उनके मुंह से किसी ने सुना है। और जो खबर आई नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? जी अभी सुनाई दे रही है। ये मने तू का गेला है का मने तीस पर्यंत मने नाही म्हणे असं कसं म्हणताय म्हणे, म्हटलं किती दिवसाने विजेता आली पाहिजे ते सांग मला आधी। नाही मग तो उत्तक्ष म्हणजे त्याचा पूर्ण चेहरा पळून गेला होता, पूर्ण घाबरून गेला, तो कुर्य कार्य पळून गेले तिथून चालला गेला होता। नाही म्हणायचा ऐकून घ्या शेख काय म्हणे, मी नाही देत म्हणे, मी 2-4 दिवसाने हे करायला आणि मग देईल डायरेक्ट कलेक्टरला। मेरा यही कहना है की ये जो हकीकत हो रही है अभी भी, उससे भी पता चल रही कोर्ट में केस होने के बावजूद जो स्टेट का एक दबाव आरोपियों के खिलाफ बनना चाहिए या इस पर बनना चाहिए, उसके बदले में उनका प्रभाव है आरोपियों के
पक्ष में और इसलिए इस प्रकार की हकीकतें हो रही है। दूसरी बात, उन्होंने अभी अभी नया एक चोरू या छोटू जो भी है उस व्यक्ति को एक बयान जो दिया है उसको शायद किसी ने खड़ा किया है और उसके बयान में जो तथ्य या हकीकत दी गई है उसमें काफी विरोधाभास हमें दिखाई देता है परिवार जनों के बयान से की तुलना में। और इसीलिए ये भी एक प्रक्रिया शायद चल रही है कि सीबीआई की जांच हो या किसी की भी जांच हो उसके सबको नकारना या जलाना। मैं रुकती हूँ, धन्यवाद। तई अतिकुर रहमान जी अपनी बात रखना चाह रहे थे। अतिकुर रहमान जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अभी अनम्यूट करके। थैंक यू सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जो वहाँ पर जिन्होंने उसका रेप एग्जामिन किया, जिसने उसकी रिपोर्ट बनाई, उनके अगेंस्ट भी कोई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए क्योंकि उनके रिपोर्ट पे ही सारा ये केस डिपेंड करता है। अगर उन्होंने बहुत सी चीज़ें मिस आउट कर दी, उन्होंने रेप लिखा, क्या क्या इंजरीज थी उन्होंने वो मेंशन नहीं की, इससे केस बदल सकता है। अगर ऐसे आगे भी केसेस होंगे उनको रोकने के लिए अगर इनके अगेंस्ट कोई हम कड़ा एक्शन हो या कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो शायद आगे आने वाले केसेस को रोका जा सकता है। आपका ये सवाल बिल्कुल जरूरी है और सही है और सीबीआई को इसके जांच में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। एहतेशाम भाई बताएंगे कि क्या ये उनके विदिन कार्य कक्षा में आएगा कि नहीं। एहतेशाम भाई अनम्यूट कर ले पहले अपने आप को जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी? बिल्कुल साफ आ रही है जी। हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा हमारे साथी ने। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी ऑफिसर्स इस अनफेयर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। उनके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120B आईपीसी का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। उन्होंने विक्टिम को नुकसान पहुंचाया, विक्टिम की फैमिली को और एक्यूज को हेल्प करी है और जो बहुत क्रूशल एविडेंस थे जिनसे ट्रायल में मदद मिल सकती थी, जिससे उनको सजा देने में कोर्ट को आसानी होती, वो एविडेंस इन ऑफिसर्स ने डिस्ट्रॉय करे हैं। तो एज अ लॉयर मेरा ये मानना है कि FIR एक इन ऑफिसर्स के खिलाफ भी रजिस्टर्ड हो, उनको भी ट्रायल फेस करने का मौका मिले और ये अगर प्रूफ होता है कोर्ट में कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करी या एविडेंस डिस्ट्रॉय करे हैं तो वो भी फिर बाकी अपराधियों की तरह जेल जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। धन्यवाद एहतेशाम भाई। अभी एक और प्रश्न रत्ना जी से आया है। रत्ना जी आप पूछेंगे? चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा है। रत्ना जी आप पूछेंगे या मैं बोल? आप पढ़िए। रत्ना जी का क्वेश्चन मेधा पाटकर जी से है। आप पढ़िए अमित भाई। दिस काइंड ऑफ ब्रूटल सेक्सुअल वायलेंस इज हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी डे इन आवर कंट्री एंड थिंग्स गेट बिग ओनली व्हेन इट इज पॉलिटिसाइज्ड। Why we mean every section of society are so selective in our response? What is your thought on gender violence beyond Hathras? You see, it is very necessary to understand that this violence is a result of the मेरा ताई आपका म्यूट हो गया है। ताई आपका म्यूट हो गया जी। I'm saying that yes, this violence which is increasingly taking place against women is a result of a cumulative inequity that the women are facing and bearing, and this is the result of the flawed or faulty vision, inhuman vision of the society and the state towards the women and various kinds of disadvantaged sections. The women are actually not disadvantaged. Their contribution is so high that they do the ghar ka and dwar ka work both. But they are always considered as either devi or dasi, and that's the wrong vision that we must counter and challenge. But today, the most critical situation is due to the state power holders, with exceptions,
are taking a position in favor of gender injustice, whether it is related to the transgender community or towards the women at large, whether it is their sources of livelihood or whether it is their freedom to agitate. And a number of social activists like Sudha Bharadwaj are behind the bar. So in various sectors we are experiencing, including the education and health, that women are suffering the most. And hence it is necessary to understand that we have to challenge those sections of the society and those sections of the state who are the culprits, real culprits. And who will punish them? We cannot punish CBI, but we can certainly access and re-access the CBI's investigations and their reports, just as we access and re-access the judgments even of the ethics court. And that is what the Prashant Bhushan's case has shown to the world, that we have every right to judge the judgments and to judge the judges. So the women's cases also, it is necessary that we take the state by horns, and we cannot consider them as the only the protectors of law and order. The police administration is proved to be culprit in many such cases where neither the FIR is lodged nor is the sexual assault appropriately and timely investigated, and that's why the rape doesn't get proved, so on and so forth. And with UP kind of state where there are 22% of such atrocities committed, we know that they are the real culprits. So we must challenge them, but we must also empower ourselves. And empowerment of women is a faulty term, I suppose, because women are already empowered. We must sensitize the society at large, beginning with the children and the youth. And now the criminal laws are also likely to be changed, which will further complicate the cases of rape or other atrocities. This is an atrocity under the SCST Prevention of Atrocities Act as well. If the state of UP has paid compensation to the family up to 8 to 10 lakhs in their accounts, under that act, are the culprits going to be punished under the SCST Prevention of Atrocities Act is also a question in our mind. And hence we must raise the voice from all the sections who are progressive, who are sensitive, who are secular, and who are for gender justice. And then only the state and all the pillars of democracy, including the media, will behave. Otherwise, it will be like Sushant Singh Rajput's case that is all over the media. But the Hathras case is also there on the screen because the voice is raised by the kind of persons who are progressive and formalist. And that must continue. Sorry for taking a little longer time. Next question is from Vijay. Any other question? Vijay Bhai from Karnataka. And please ask your question. Vijay Bhai, please unmute yourself. Please unmute. दो ही बात मैं कहना चाहता हूँ. एक तो ये है कि ये कोर्ट में लड़ने वाला मामला है इम्पोर्टेंटली. बाद में हम सड़कों पर भी आवाज उठाएंगे, वो बात अलग है, हम वो कर ही लेंगे. मगर कोर्ट में काम करने का जो भी काम है, जैसे हमारे भाई साहब एहतेशाम हाशमी जैसे लोग, एक दो तीन लॉयर्स सवाल कर रहे हैं ना प्रेस वाले भाई, बहुत सारे आपका कोई है? एक दो तीन लॉयर्स वहां 24/7 काम करना है एक साल के लिए, ऐसा तो एक अरेंजमेंट होना चाहिए. मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ. हमारे सवाल कोई है? सवाल नहीं है, मैं सुझाव दे रहा हूँ. हम बहस कर सकते हैं मगर लॉयर्स की टीम रहना उतना ही है. सवाल तो मेरे नहीं है, शर्मिंदा हूँ मैं कि ये भारत में ऐसे घटना जो घट रही है, मैं शर्मिंदा हूँ. आई एम अशेम्ड बट आई वांट टू टेक टू द लॉजिकल एंड. किसी पत्रकार साथी का कोई सवाल हो तो वो अभी अपना हाथ उठाए. म्यूट अनम्यूट करना गए.
किसी पत्रकार किसी और पत्रकार साथी का कोई सवाल हो तो प्लीज वो पूछे। मुझे लगता है हम पूरी करें तो हम कंक्लूड करते हैं इसके साथ। मणिमाला जी कुछ बोले आखिरी में। जी मणिमाला जी आप के वक्तव्य से विजय भाई के सुझाव पर अमित भाई एक सवाल है पूजा अवस्थी जी का विजय भाई का सुझाव पर भी मणिमाला बहन बोले ताई हाँ। मणिमाला जी संदीप भाई और मेरा ताई एक सवाल है पूजा अवस्थी जी का इज द फैमिली स्टिल अपोज टू ए सीबीआई इंक्वायरी। मणिमाला जी आप जवाब देना चाहेंगे अनम्यूट करके। फैमिली ने सीबीआई इंक्वायरी का कभी अपोज नहीं किया पर कभी डिमांड भी नहीं किया पर यह सच है कि उनको सीबीआई इंक्वायरी जो हालात है सीबीआई के तो उनको कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है सीबीआई पे इसीलिए उन्होंने शायद डिमांड नहीं की लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सीबीआई इंक्वायरी का अपोज कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कुछ बातें आई जैसे नार्को टेस्ट सभी का हो पीड़ित परिवार का भी हो ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है इसका वो लोग विरोध कर रहे हैं पर सीबीआई का ऐसा न डिमांड है न विरोध है ऐसा कुछ भी नहीं है पर यकीन नहीं है सीबीआई पे यकीन सीबीआई पे यकीन न पीड़ित परिवार को है और ना उनको है जो इस केस में आवाज में आवाज मिला रहे हैं और ना ही हमें है वो तो सच है लेकिन अपोज नहीं लेकिन लेकिन मणिमाला बहन उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है न्यायिक जांच की मांग की है जुडिशियल इंक्वायरी हर कोई डिमांड कर रहा है पीड़ित परिवार भी मांग रहा है जुडिशियल इंक्वायरी और बाकी लोग भी मांग रहे हैं बिल्कुल सही बात है मतलब सीबीआई से जांच न हो करके जुडिशियल इंक्वायरी हो ऐसा ऐसा डिमांड है। एक और सवाल है हमारे जर्नलिस्ट साथी मनसा एस का शी इज आस्किंग आर द एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आल्सो असिस्टिंग अप अदर केसेस सिमिलर टू हाथरस लाइक व्हाट हैपेंड इन बाराबांकी रिसेंटली और इन दिल्ली। मैं मनीषा को कहना चाहूंगी कि सच्चाई यह है कि ऐसा कोई भी केस जब होता है जो दिल्ली में केस हुआ और बाकी सब जगह तो एक्टिविस्ट उठते हैं वो लड़ते हैं और वो सारे जो जहाँ जहाँ भी ऐसे एक तरह के इंसिडेंट होते हैं बहुत बहुत, बहुत लोगों के माल बहुत भाई आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लेंगे माइक्रोफोन हाँ कई लोगों के माइक्रोफोन ऑन है अभी अनम्यूट नहीं है जी हाँ। जी हाँ मैं ये कह रही थी कि एक्टिविस्टों की जितनी अपनी ताकत है और जितना वो कर सकते हैं वो सारे केसेस जो एक एक तरह के केसेस होते हैं उनको एक साथ मिला करके और एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं और उसके लिए लड़ते भी हैं लेकिन जैसा कि इसके पहले भी बताया मेधा ताई ने भी बताया संदीप जी ने भी बताया कि आज की तारीख में किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि एक तो जाने ही नहीं देती है प्रशासन जाने ही वहां पहुंचने ही नहीं देती है बड़ी मुश्किल से कुछ लोग पहुंच पाते हैं। आपने इस केस में भी देखा कि मीडिया वालों को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी जाने के लिए और बाकी लोगों को भी हमें भी जद्दोजहद करनी पड़ी 9 लोगों की हमारी टीम को एक साथ नहीं जाने दिया गया हमें 2 भागों में बांटा गया एक में 5 और एक में 4 लोग ऐसे करके और उसमें भी बहुत प्रेशर कि आपको आधे घंटे में वापिस चले आना है आपको 40 मिनट में वापिस चले आना है तो इतने कम समय में उनके साथ बैठ करके सारी चीजों को निकाल लेना एक पीड़ित परिवार से आप बात कर रहे हो ये बहुत कठिन था जबकि ठीक हमारे ही साथ क्षत्रिय समाज के करीब 12-14 लोग एक साथ गए और जीत पे अड़ गए कि हम
एक साथ ही जाएंगे और उन्हें एक साथ जाने दिया गया हमारी मौजूदगी में। तो इस तरह से जो भी आवाज उठाना चाहता है, महिला संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, मानवाधिकार संगठन हो, उनके लिए ये बहुत कठिन वक्त है। आप देख चुके हैं दिल्ली में सीए के खिलाफ आवाज उठे, कितने महीनों तक बैठे रहे सड़क पे, उनकी आवाज सुनने कोई नहीं आया। तो एक अजीब सी स्थिति है, एक तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी बात की अगर बोलते हैं किसी तरह से तो कोई सुनता नहीं है, और तो और बोलने वालों पे भी, जितने लोगों पे अभी UAPA लगाए गए हैं वो कौन लोग हैं, जो मनीषा जी पूछ रही हैं वही लोग हैं, वो एक्टिविस्ट ही हैं जो ऐसे ही पीड़ितों के पक्ष में बोलते हैं, जो शोषितों दलितों के पक्ष में बोलते हैं। ये तमाम जो रेंज है, सुधा भारद्वाज से लेकर गौतम नखा से लेकर नौलखा से लेकर और अभी लेटेस्ट स्टेन स्वामी तक, ये सारे वही लोग हैं जो सड़कों पे, अदालतों में, जितना जहां जैसे हो सकता है वो पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन सब पे अलग अलग तरीके से दमन की कार्रवाई की जा रही है, उनको UAPA लगा करके, उनको दूसरी देशद्रोह की धाराएं लगा करके उनको जेल में बंद किया जा रहा है, और वहां भी उनको चैन से रहने नहीं दिया जा रहा, वहां भी उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। तो ये मेरा जवाब है मनीषा जी के सवाल का। और किसी और साथी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम अभी अब समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। और समाप्ति से पहले एक बस यही बात जहन में उठती भी है कि बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है शोषित वर्गों को, और जब सरकार की बात आती है तो ये हम काफ़ी समय देखते हैं कि जब पीड़िता शोषित वर्ग से होती है या महिला होती है तो उनके लिए न्याय पाना कितना मुश्किल हो जाता है, और वहीं जब जो एक्यूज होते हैं वो अगर बड़े तबके या ऊपरी जाति या फिर बड़े घरानों से आते हैं तो उनके लिए कितना आसान हो जाता है न्याय व्यवस्था और सारी चीज़ों को धता बताते हुए अपने आप को सुरक्षित करने का। तो इसके साथ आज की प्रेस वार्ता जो है, इसके लिए अंतिम में अगर कोई पैनलिस्ट अपनी बात कहना चाहें तो हम थोड़ा 2-3 मिनट का समय ले सकते हैं, नहीं तो खत्म करें। संदीप भाई, इसमें पूजा अवस्थी ने सवाल पूछा है कि हैव यू फॉलोड द बलरामपुर केस। तो अब बलरामपुर में चूंकि दोनों आरोपी मुस्लिम थे तो उनके खिलाफ तो रासुका भी लग गई, तो जैसे जो बात आप अभी कह रहे थे एकदम कि आप अगर समाज के प्रभावशाली तबके से कहें तो आप व्यवस्था जो है उसको आप प्रभावित कर सकते हैं, और अगर आप समाज के किसी भी वंचित वर्ग से हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो चूंकि मुस्लिम आरोपी थे तो वहाँ रासुका भी लग गई, और हाथरस में हम लोगों को इसलिए दखल अंदाजी करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ ये दिखाई पड़ रहा है कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो बलरामपुर हम लोग गए तो नहीं है, लेकिन जो अखबारों में पढ़ा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कार्रवाई हुई है, और हालांकि रासुका लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर वो बलात्कार और हत्या का मामला है तो वो धाराएं लगनी चाहिए। लेकिन इस सरकार का, जैसे मैंने कहा कि ये चूंकि आरोपी को देख के तय करती है कि क्या कार्रवाई होगी और पीड़ित को भी देख के तय करती है कि क्या कार्रवाई होगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि यहाँ न्याय नहीं हो रहा है, यहाँ कानून और व्यवस्था का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, बल्कि उसके नाम पे राजनीति हो रही है। ये होता तो सभी सरकारों में है कम ज्यादा, लेकिन इस सरकार में कुछ ज्यादा हो रहा है। जी, तो आपकी बातों के साथ ही हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी मीडिया साथी, जर्नलिस्ट साथी जो पीड़िता है और ऐसे जो घटनाएं हैं उन पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आप भी हमारे साथ उतने ही साथ साथ लड़ाई में रहेंगे। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद मणिमाला जी, धन्यवाद संदीप पांडे जी,
एहतशाम भाई दिख नहीं रहे, शायद उनका कनेक्शन कट गया, उनको भी धन्यवाद। और मेधा ताई का भी कनेक्शन टूट गया। और इस सभी के लिए जो बॉबी भाई हमारे होस्ट रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी तकनीकी सहायता हम लोग को दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में आप सभी जो पत्रकार साथी हैं और जो दूसरे साथी इससे जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।